नमस्कार, मैं बसंती साहू मॉम्स किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल में आपके लिए बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आपको मिले। पुलाव बनाने के लिए हमें इन सामानों की जरूरत पड़ेगी। चावल, या हमने बासमती का चावल लिया है, दो तेज पत्ता लिए हैं, 4-5 लौंग, 2 इलायची, 4-5 इलायची, 4-5 यहाँ पर 5 यहाँ काली मिर्च है, और 8-10 काजू लिए हैं, 2 हरी मिर्च और गरम मसाला। वेज पुलाव बनाने के लिए हमें इन सामानों की जरूरत पड़ेगी। फूलगोभी, गाजर और मटर, यहाँ हमने 1 पाव मटर को छील लिया है और 2 बड़ा गाजर को काट लिए हैं और 1/2 किलो गोभी को पीस पीस कर लिए हैं। पुलाव बनाने के लिए पहले हम चावल को पानी में भिगा देंगे। इसे धोकर 20 मिनट या 30 मिनट के लिए चावल को पानी में भिगा कर रख देंगे। ये चावल को हमने धो लिया है और इसे 20 मिनट के लिए पानी में भिगा कर रख देंगे। कुकर हमारा गर्म हो गया, अब इसमें 50 ग्राम लगभग घी डालेंगे। ये 3 चम्मच लगभग डाल देते हैं। घी में जब बनता है पुलाव तो बहुत स्वादिष्ट भी बनता है और पचता भी है। पुलाव खाने से ऐसे लगेगा कि आज तो कुछ खाएंगे नहीं है, पेट इतना हल्का लग रहा है, ऐसे लगेगा। अब इसमें डाल देते हैं जीरा, इलायची का छिलका डाल रहे हैं, या इलायची, हरी इलायची, और 2 तेज पत्ता को तोड़ दिए हैं, टुकड़ा कर दिए हैं, और लौंग डाल देते हैं, 3-4 लौंग है, हरी इलायची का बीज भी डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल दिए हैं, और इसी में 8-10 काजू है, इसको फ्राई कर लेंगे। काजू भी ब्राउन हो गया, अब इसमें कटा हुआ गोभी डाल देते हैं। गोभी को गर्म पानी में धो लिए हैं, कटा हुआ गाजर, गाजर डालने से पुलाव का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। गाजर, मटर और गोभी, ये तीनों डालने से पुलाव बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें 1 कटोरी मटर डाल रहे हैं, 1 पाव को छीले से। और 5 मिनट अच्छा से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला, और सभी को अच्छा से मिक्स करके फ्राई कर लेते हैं। एक 2 मिनट ढक देते हैं, देखते हैं 1 मिनट हो गया। सभी सब्जी भी पक गया। अब ये धो के रखे थे चावल, 1/2 घंटा भिगा के पानी को छान दिए थे, इसको डाल देते हैं। पानी पूरा सोख लिया था चावल, छान के रख दिए थे तो, और साथ में अच्छा से इसको भी चावल को फ्राई कर लेंगे।
गैस को स्लो कर देते हैं और धीरे से धीरे धीरे करके चावल को अच्छा से पकाएंगे। यहाँ हम बासमती चावल का उपयोग कर रहे हैं। घर में जो भी चावल अवेलेबल हो उसका पुलाव बना के खाया जा सकता है। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो उसका बना लीजिए। इसका पुलाव का स्वाद गाजर, गोभी और मटर इसी से बहुत बढ़ता है। साथ में घी में फ्राई हो रहा तो और बहुत टेस्टी लगता है पुलाव। चावल जब भून जाता है घी के साथ में तो बहुत हल्का होता है, पचने में बहुत जल्दी पचता है। ठंडी में गोभी, गाजर और मटर भरपूर मात्रा में मिलती है, इसलिए ठंडी का मजा लीजिए और पुलाव बनाते रहिए और खाते रहिए। एक बार खाएंगे तो बार बार बना के खाने का मन करेगा वेज पुलाव। ये चावल हमारा फ्राई हो गया, अब इसमें पानी डाल देते हैं। चावल हम एक कटोरी लिए थे तो इसमें दो कटोरी पानी डालेंगे और सब्जी के लिए आधा कटोरी और पानी डालेंगे। तो सभी को मिला लेते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और दो सीटी होने तक पकने देंगे। गैस खुल जाएगा कुकर का तब इसको खोलेंगे। कुकर का गैस अब खुल गया, अब देख लेते हैं पुलाव कितना अच्छा बना है। वाह, बहुत टेस्टी बना है पुलाव, खुशबू आ रहा है, बहुत लजीज बना है और सभी पक भी गया है। चेक कर लेते हैं, देखिए गोभी भी अच्छा से पक गया है, चावल भी पक गया है। अब ये पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है। आज हम पालक आलू टमाटर के साथ सर्व कर रहे हैं। ये टमाटर फ्राई में भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।